सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में मेकअप और हेयर सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए आए नए अपडेट की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी समीक्षा पवार और मेकअप आर्टिस्ट मंजू कनोत्रा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें बॉलीवुड आर्टिस्ट आदित्य आदि ने मुंबई से आकर ब्यूटी टिप्स दिए। सेमिनार में विभिन्न प्रकार के टिप्स दिए गए। सेमिनार में मेकअप की एडवांस टेक्निक के गुण सिखाए गए। इस अवसर पर मुंबई से आए मेकअप एक्सपर्ट आदित्य आदि ने बताया कि सोनीपत में पहली बार इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार के जरिए न केवल मेकअप की एडवांस टेक्निक बताई गई, बल्कि मेकअप में रह जाने वाली कमियों को भी बताया गया कि एडवांस टेक्निक्स से मेकअप कैसे किया जाए और मेकअप करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस अवसर पर मेकअप आर्टिस्ट मंजू कनोत्रा ने आए हुए सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं विकास में भागीदार बने तथा आर्थिक प्रगति के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करें। ब्यूटी पार्लर का स्कोप कस्बों से लेकर गाँव में भी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ब्यूटिशियन के क्षेत्र में जहां हमारे देश में रोजगार के अच्छे मौके हैं, वहीं विदेशों में भी ब्यूटिशियन की काफ़ी मांग है। प्रतियोगिता में पहला इनाम 5100 रुपये आकाश सेठी ने, दूसरा इनाम 3100 रुपये सुयश वर्मा और तीसरा इनाम 2100 रुपये जय ग्रोवर ने प्राप्त किया। सोनीपत से शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। इस इंडस्ट्री में मैंने इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ हो रहा है और इतना स्कोप है कि मैं चाहती हूँ कि हम सबको देखो प्यार होने का, सुंदर लगने का सबको शौक है। किस किस को शौक है यहाँ पे कि हम सब सुंदर लगे? आई होप सबको ही अच्छा लगता है हम सबको अच्छा लगता है कि हम सुंदर लगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसमें जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे और यहाँ पे इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि इतने प्रोग्राम्स चलाते हैं। मंजू जी को मैं इतने सालों से जानती हूँ, मीनाक्षी जी हैं, आजकल इतने कोर्सेज हो रहे हैं कि आप सबके भलाई के लिए आप इसमें सीखिए, थोड़ा सा और अपनी मेहनत डालिए और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। सर, आज मिसेस मीनाक्षी एंड सुरेश जी ने यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आदित्य आदि जी आए हुए हैं मुंबई से और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ब्यूटिशियंस के लिए, स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये है ताकि हम उनको और अपग्रेड कर सकें, अपने फील्ड में वो आगे जा सकें। और कुछ यहाँ पर ब्राइडल कॉम्पिटिशन भी रखा गया जिससे जो न्यू कमर्स हैं, जो डरते हैं कि हमें आगे क्या करना है या हमें क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उनके लिए काफ़ी सारे प्राइजेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ब्राइडल बेस मेकअप, आई मेकअप का अवार्ड भी रखा है। तो अभी उन बच्चों को उठाया जा रहा है जो बिल्कुल दबी हुई कला है, उसको बाहर निकाला जा रहा है कि आप आइए और यहाँ पर आकर अवार्ड भी लें और अपना अच्छा सा वर्क भी दिखाएं। और मीनाक्षी जी ने ही ये कदम उठाया है, सुरेश जी ने उठाया है और इन्होंने मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के? बहुत अच्छा लगा सर, मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं खुद भी एक एकेडमी चला रही हूँ, कीवी सलोन एंड एकेडमी चला रही हूँ और मेरे से भी कम से कम इस टाइम 30 मेकअप आर्टिस्ट रेडी हो रहे हैं, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि वो आगे आएँ और बच्चों का जो है वो बढ़े, प्राउड बढ़े, उनका काम करने का तरीका बढ़े और वो दूसरों को भी देखें कि किस तरह उन्होंने काम किया और किस तरह हम काम कर रहे हैं। मैं ये, मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है चाहे खाना पेट में हो या ना हो, सुंदर दिखना सबको पसंद है और मैंने तो ये फील किया, ये सर्विस की लाइन है और हर बंदा चाहता है कि मैं सुंदर दिखूँ, और कौन सी लेडी है जो नहीं सुंदर दिखना चाहती, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं सोनीपत में, उनको अपने शहर में ही सब अपडेशन मिले, लेटेस्ट टेक्निक्स उनको सीखने को मिले ताकि वो अपना काम जो है बहुत बेहतर कर सके। मैंने यहाँ पे देखा था कि सोनीपत में जितने भी ब्यूटिशियंस हैं वो लोग बाहर जाते हैं, सेमिनार अटेंड करती हैं, महंगी महंगी क्लासेस लेती हैं, तो हमने यही सोचा था कि हम लोग अपने शहर में ये सब फैसिलिटी ब्यूटिशियंस को अवेलेबल कराएं। सर, हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारी जितने सारे ब्यूटिशियंस हैं यहाँ पे जो सेमिनार्स के लिए बाहर जाते हैं अपनी अपडेशन के लिए, उनको सोनीपत जैसे शहर में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आकर सिखाएं, उनका हुनर
प्रदर्शित हो सब लोगों के सामने, क्योंकि हुनर है तो कदर है और हमारी ऑडियंस बहुत अच्छा महसूस कर रही है और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेमिनार हम लोग बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सुरेश जी को और ड्रीम्स फेरी से मीनाक्षी जी को।